वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम बात करेंगे कि ट्विन स्किन महिलाओं को होते हैं तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है वो होता है अनुवांशिक, जिसको हम इंग्लिश में जेनेटिक्स भी कहते हैं। अगर किसी महिला की फैमिली में मदर को या फिर दादी को या किसी को भी ट्विन्स हुए हैं या फिर वो खुद ट्विन्स भाई या बहन है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है महिला को ट्विन्स होने की। तो ये ज्यादातर जो डिपेंड करता है वो महिला की फैमिली पर डिपेंड करता है। एंड दूसरा रीजन होता है वो होता है बढ़ती उम्र। आजकल बहुत ही ज्यादा लेट शादियां हो रही है, लगभग 30 एंड 35 के आसपास, तो एक ये भी सबसे बड़ा रीजन होता है ट्विन्स होने का। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है ऐसे वैसे उनमें फॉलिकल स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन के निर्माण में कमी आ जाती है। इस हार्मोन्स का काम होता है एग ओवरीज को ओव्यूलेशन के लिए रिलीज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में जैसे जैसे एग की संख्या बढ़ने लग जाती है तो ट्विन्स होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। और इसका जो तीसरा रीजन होता है वो होता है महिलाओं की ऊंचाई और वजन। कई बार देखा गया है कि जो महिलाओं की ऊंचाई और वजन होता है वो भी बहुत ज्यादा कारण बनते हैं ट्विन्स होने के। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑबस्टेट्रिक्स गायनोकोलॉजी में छपी स्टडी के अनुसार जिन महिलाओं का बीएमआई 30 या फिर उससे ज्यादा रहता है तो उन महिलाओं में ट्विन्स होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। और जो चौथा रीजन होता है वो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा। जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा रोकी जाती है तो उनमें भी ट्विन्स होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। एंड जो पांचवा रीजन होता है वो होता है कि जिन महिलाओं में एग नहीं बनते हैं तो उनमें जो है एग बनने के लिए अगर उनको एडिशन दी जाती है, प्रॉपर इनका इलाज चल रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में भी ट्विन्स होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। और जो महिलाएं शुरू से बहुत ज्यादा दवा वगैरह का सेवन करती हैं तो उनमें भी ट्विन्स होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो ये कुछ रीजन थे जिस वजह से महिलाओं में ट्विन्स होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।